का तीसरा दिन चिलचिलाती धूप पड़ रही है, कड़ाके की धूप है, लेकिन अब दोबारा से इस तीसरे दिन की शुरुआत हो रही है। शाम के समय पर अब राहुल गांधी फिर से निकलेंगे। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए हैं, एक एक करके मैं आपको वो ऐलान बताऊंगा राहुल गांधी ने आज आखिरकार क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये तिरंगा 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है और 1857 लोगों ने इस तिरंगे को थामा हुआ है। 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा है और 1857 लोगों ने इस तिरंगे को थामा है। तो राहुल गांधी अपनी भारत यात्रा का आज तीसरे दिन का दूसरा आज अपना पड़ाव शुरू करेंगे, शाम के समय का पड़ाव। और आप ये देखिए, ये तीन किलोमीटर का तिरंगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर थामे हुए हैं और 1857 कार्यकर्ताओं ने इस तिरंगे को थाम रखा है। तो राहुल गांधी अभी यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐलान आखिरकार क्या हुआ है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सवाल पूछे गए, राहुल गांधी जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया, तस्वीरें जरा आप दिखाते रहिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था वो मैं आपको बताता रहूंगा। तस्वीरें जरा आप देखिए, काफी आगे जो है वो राहुल गांधी है, वहां से उनकी पदयात्रा का ये दूसरा पड़ाव शुरू होगा। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत तो टूटा ही नहीं, फिर भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि भारत तो टूटा ही नहीं, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा की आखिरकार वजह क्या है, उसको यात्रा निकालने की जरूरत क्या है, ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने वो सवाल पूछा, तस्वीरें आप दिखाइए। राहुल गांधी जी ने कहा कि कल जिस वक्त वो स्कूल के अंदर थे, और वो स्कूल हमने आपको दिखाया था कि राहुल गांधी जो है वो 101 साल पुराने एक स्कूल में थे, जिस स्कूल में महात्मा गांधी जी 1937 में आए। और राहुल गांधी ने कहा कि 12 साल की एक लड़की जो कि पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही थी, वो मेरे पास में आई और उसने यही सवाल किया कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। राहुल गांधी ने उससे पूछा कि भारत जोड़ो का मतलब मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको भारत का मतलब समझना होगा। और भारत का मतलब है कि भारत में जो लोग रहते हैं वो शांति के साथ में और सद्भावना के साथ में रहते हैं। तो जब भारत के अंदर सद्भावना के साथ में लोग नहीं रहेंगे, जब भारत में हिंदू मुस्लिम होगा, तो फिर आप बताइए भारत क्या जुड़ रहा है या भारत टूट रहा है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। दूसरा, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उस बच्ची से कहा कि जब भारत में महंगाई बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़ती है तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं, तो आप बताइए कि क्या वो लोग शांति के साथ में, भाईचारे के साथ में और प्रेम के साथ में कोई परिवार बढ़ती हुई महंगाई के बीच में रह सकता है क्या, ये राहुल गांधी ने उस बच्ची को समझाने की कोशिश की। तो इस तरह से कई उदाहरण दिए उस बच्ची को कि महंगाई होती है तो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, परिवार जो है वो शांति से चल नहीं पाता है, महंगाई के कारण परिवार चला नहीं सकते हैं। और जब हिंदू मुस्लिम होता है तो समाज के अंदर जो है एक खटास पैदा होती है, समाज में एक गुस्सा होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो राहुल गांधी ने उस बच्ची को समझाते हुए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये जवाब दिया। दूसरा, राहुल गांधी से जो दिल्ली की मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया वो ये था कि क्या आप वाकई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। इस सवाल के उत्तर में राहुल गांधी ने कहा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी आने वाला है और उस इलेक्शन में अगर मैं अपनी उम्मीदवारी पेश करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या अध्यक्ष बनने जा रहा हूं, और अगर मैं अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं अध्यक्ष बन रहा हूं, मेरे माइंड में क्लियर है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। ये सवाल जो है राज राहुल गांधी से पूछे गए, राहुल गांधी ने उन सवालों के उत्तर दिए। और आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस झंडे को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें जरा आप इधर से भी दिखाइए, देखिए इधर भी जरा आप दिखाइए, लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और दोनों तरफ जो है वो लोगों का जमावड़ा है। और अब राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे, राहुल गांधी के निकलने के जो है कुछ ही देर बाकी रह गई, और कुछ ही देर में राहुल गांधी निकलेंगे। और जैसे ही यहाँ से राहुल गांधी निकलेंगे, एक भगदड़ सी जो है वो देखने को मिलती है, लगातार हम देख रहे हैं, एक अचानक से जो है कोतवाल शुरू हो जाता है। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, भारत जोड़ो
यात्रा में अलग अलग इलाकों से जब वो यात्रा निकल रही है तो किस तरह से लोगों का माहौल है, कैसे लोग उसको देख रहे हैं और किस तरह से लोग जो है उसका स्वागत कर रहे हैं या उसको उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध की तस्वीरें अभी तक इस भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो कहीं पर भी ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली है। जहां पर भी अभी तक भारत यात्रा पहुंची है उसका स्वागत हो रहा है। तो लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लगातार वो चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रेस्ट के टाइम पर जहां पर मीडिया होता है या नहीं होता है वहां पर जो चीज़ें होती है वो लगातार मैं आपको बता रहा हूं। और अब राहुल गांधी कुछ ही देर में यहां से निकलेंगे और आगे का पड़ाव पूरा करेंगे। और राहुल गांधी आप देखिए कि लगातार जो है आज सुबह राहुल गांधी 7 बजे चले थे और उनको 10 बजे यहाँ पर पहुँचना था जहाँ पर हम इस वक्त में खड़े हैं। ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ही लगता है और नागरकोली से ये यात्रा चली थी आज सुबह की, लेकिन उसमें 10 बजे की बजाय राहुल गांधी 9:30 बजे ही यहाँ पर जो आज उनका जो दोपहर रुकने का जो जगह है जिस वक्त में हम यहाँ पर हैं वहाँ पर 9:30 बजे ही आधे घंटे पहले यहाँ पर राहुल गांधी पहुँच गए थे। तो ये जो है वो बता रहा है कि दिखाइए जरा आगे चलते रहिए कि कैसे जो है तीसरे दिन स्पीड को जो है वो इंक्रीज किया है। आधे घंटे पहले ही जो है वो राहुल गांधी पहुंच गए थे और अब यहां से निकलेंगे। सुबह 10 किलोमीटर के आसपास का वक्त जो है वो सुबह उन्होंने कवर किया 10 किलोमीटर और अब जो है करीब 10 से 11 किलोमीटर का अब आगे भी कवर करेंगे और फिर उसके बाद में 7 बजे के करीब जो है वो आज की यात्रा का समापन होगा। तो तस्वीरें आप देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर आए और राहुल गांधी जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद में यहाँ से यात्रा जो है वो आगे के लिए प्रस्थान करेगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लोगों का जो हुजूम है वो शांति के साथ में टकटकी लगा करके गेट की तरफ जो है वो इंतजार कर रहा है। और ये आप देखिए तमाम जो मीडिया का जमावड़ा है, जो यहाँ के स्थानीय मीडिया है वो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और आप ये देखिए तस्वीरें जो सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर करिए और जैसे ही राहुल गांधी यहाँ से बाहर आते हैं आपको फिर से जो है वो राहुल गांधी के बाहर आने के इस भारत यात्रा का आगे का जो पड़ाव रहेगा वो आपको फिर से दिखाएंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।